हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KBS में इसके नए अपडेट के बारे में कुछ डिटेल्स सामने आई है जो कि आपके सामने रखी जाए और अच्छी खबर है, इसलिए मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूं। वैकेंसी के रिगार्डिंग अच्छी बातें हैं, जो तैयारी करने वाले हैं उनको कैसे और अपने मेहनत को आगे बढ़ाना है ताकि उनका एक सीट एटलीस्ट सिक्योर हो जाए, तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, और अपने दोस्तों तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले और वो तैयारी में लग जाएँ। देखिए पहले एक्चुअली ये काम कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको। अगर आप KBS की तैयारी कर रहे हो या कर रहे हो, अभी जो हाल में ही NBS की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, तो NBS के लिए देखिए इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगभग 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ईमेल कर लीजिए मुझे yourmithunsingh@gmail.com पे, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में ये सारा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ईमेल करने के लिए आपको यहाँ से ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी आपको दोनों मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो मैं आपको बता दूँ। देखिए सबसे पहली बात यहाँ से आप देख लो, 23 दिसंबर तक के लिए जो है डेटा कलेक्ट की गई थी कि कितनी सीट की जो है ज़रूरत है, कितने PRT टीचर की ज़रूरत रहेगी केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो ये PRT की संख्या लगभग 4800 थी, जो कि अब डेफिनेटली बढ़ने वाली है। और यहाँ से देख लीजिए, अब ये जो है 24 तक जो है डिटेल्स को मांगा गया है, यानी कि जो भी रिटायरमेंट वगैरह हो जाएंगे टीचर, उन सारे टीचरों को लेकर। पहले देखो आप यहाँ से 22 से 23 तक का डेटा मांगा गया था, अब मांगा गया है कहाँ से, 23 से लेकर 24 तक का डेटा मांगा गया है, यानी कि एक साल में जितने भी लोग रिटायर कर जाएंगे उनको भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लगभग जो है 6,000 के करीब आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, 4800 और डेफिनेटली 1200 तो वैकेंसीज और बढ़ ही जाएगी। तो लगभग आप लमसम अगर मैं एक आइडिया लगाऊं तो लगभग 6,000 से 7,000 वैकेंसीज आपको सिर्फ प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक के तौर पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो आप, कभी भी वैकेंसीज आ सकती है। अब आप बोलोगे तो ये 24 वाली बात क्यों बता रहे हो, देखिए वैकेंसी जब भी आएगी ना तो बढ़ाकर ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि बहुत दिनों तक वैकेंसी आई नहीं है और ये तो हर दिन का काम है नहीं कि वैकेंसी रोज़ निकाली जाए। तो बाद में जो रिटायर होंगे एक साल तक ना, उनके भी सीटों को इंक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड नहीं किया गया है। इन चीज़ों को देख लीजिए आप, कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका सुझाव, आपका फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगले वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।